नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस मऊ वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई मऊ एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। ये जो ट्रेन है मुंबई से हर सोमवार को मऊ के लिए रवाना होती है और 31 घंटे 20 मिनट बाद यह ट्रेन जो है मऊ जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 588 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 51 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 15182 और ये जो ट्रेन है सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों के साथ चलती है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से स्टार्ट होती है, फिर कल्याण होते हुए ट्रेन जो है नासिक रोड में पहुंचती है, जलगांव भूसावल को कवर करते हुए ये इटारसी जंक्शन में पहुंचती है। इटारसी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर में पहुंचती है। जबलपुर के बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन के बाद सतना जंक्शन होते हुए ये प्रयागराज जंक्शन में रिवर्स होती है। फिर ये ट्रेन जो है फूलपुर, झंगई, शाहगंज जंक्शन, आजमगढ़ होते हुए ट्रेन जो है मऊ जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें मुंबई मऊ एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। तो इसमें सेकंड एसी के कोच हैं। सेकंड एसी का जो मुंबई से मऊ तक का जो किराया है वो है 2495 रुपये, जिसमें 2326 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 119 रुपये है। टोटल टिकट किराया 2495 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी थर्ड एसी इकॉनमी के भी कोच हैं। थर्ड एसी इकॉनमी का जो टिकट किराया है वो है 1615 रुपये, जिसमें 1498 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 77 रुपये है। टोटल टिकट किराया 1615 रुपये बनता है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 7 कोच हैं। स्लीपर क्लास का मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ जंक्शन तक का किराया है 645 रुपये, जिसमें 625 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल टिकट किराया 645 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसमें सेकंड सीटिंग के तकरीबन 4 कोच हैं, सॉरी सेकंड क्लास के यानी कि जनरल डिब्बों के 4 कोच हैं, जिसका टिकट किराया मुंबई से मऊ तक का 340 रुपये के करीब है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ जंक्शन तक चलने वाली मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस मऊ वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। यह जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार को सुबह 11:10 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 31 घंटे 20 मिनट बाद मऊ जंक्शन में अगले दिन शाम के 6:30 पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और 1588 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है। इसके बाद मुंबई मऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 11:57 पर पहुंचती है और 3 मिनट बाद 12 वहां से रवाना हो जाती है। यहां तक की जो दूरी है 38 किलोमीटर की ये कवर कर चुकी होती है और यहां पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद इसका इगतपुरी में टेक्निकल हॉल्ट है। इगतपुरी में ट्रेन जो है दोपहर के 1:55 पर पहुंचती है और 5 मिनट बाद 2 वहां से रवाना हो जाती है और इगतपुरी का स्टेशन कोड है IGP और यहां पर इसका टेक्निकल हॉल्ट है। यहां पर इसके साथ बैंकर लोक टेक्निकल हॉल्ट ही है वैसे। इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो है नासिक रोड। नासिक रोड महाराष्ट्र में दोपहर के 2:42 पर पहुंचती है और 2:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 172 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। जलगांव जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:28 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 405 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद भूसावल जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 6 पहुंचती है और 6:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 5A प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 429 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरदा मध्य प्रदेश में पहुंचती है रात के 9:15 पर और 9:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 660 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में रात के 10:35 पर पहुँचती है और 10 मिनट बाद 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 736 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ईटी। इसके बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रात के 1:40 पर पहुँचती है और 10 मिनट बाद 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ तक की जो दूरी है 981 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन में रात के 3:05 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, प्रयागराज चियोकी इटारसी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सतना जंक्शन मध्य प्रदेश का जो आखिरी स्टेशन है यहाँ पर सुबह 4:30 पर पहुँचती है और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मानिकपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 6:18 पर पहुँचती है और 6:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1442 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन में सुबह 8:40 पर पहुँचती है और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है और 1340 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद प्रयाग जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:18 पर पहुँचती है और 9:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1348 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर गाजीपुर सिटी प्रयागराज संगम मेमू स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। फिर ये ट्रेन जो है फूलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। फूलपुर रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन जो है सुबह 10:25 पर पहुँचती है और 10:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जंघई जंक्शन में सुबह 11:18 पर पहुँचती है और 12 वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ तक की जो दूरी है 1407 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है JNH। इसके बाद ये ट्रेन जो है मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:38 पर पहुँचती है और 12:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1437 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका यहाँ पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जौनपुर जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 1:38 पर और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1461 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फिर ये ट्रेन जो है शाहगंज जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है दोपहर के 3:40 पर पहुंचती है और 3:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1495 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। शाहगंज स्टेशन का स्टेशन कोड है SHG और यहाँ पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस मऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो है खुरासन रोड में पहुंचती है। खुरासन रोड पे ट्रेन जो है शाम के 4:10 पर पहुंचती है और 4:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम के 5:10 पर पहुँचती है और 5:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1551 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन मोहम्मदाबाद में ट्रेन जो है शाम के 5:50 पर पहुँचती है और 5:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1573 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MMA। इसके बाद मुंबई मऊ वीकली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:30 पर पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो दूरी है 1594 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई मऊ वीकली एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।